हेलो एवरीवन इस वीडियो में आप देखेंगे फाइव क्विक एंड ऑलमोस्ट नो कुकिंग हाई इन प्रोटीन सैलड रेसिपी जो हमें लंबे टाइम तक फुल तो रखेंगी ही साथ ही वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी सो विदाउट डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो हमारी पहली रेसिपी है स्प्राउटेड मूंग दाल सैलड इस रेसिपी के लिए स्क्रीन में दिखाए गए सारे इंग्रेडिएंट डाल के सब मिक्स कर देना है मैंने भिगोए हुए चिया सीड्स डाले हैं दो चम्मच के करीब आप दही डालेंगे दही से बहुत अच्छी सीजनिंग हो जाती है हमारे सैलड की साथ ही मैंने काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया बाकी मसाले मैंने नहीं डाले हैं ग्रीन चिली आप इसमें डाल सकते हो मैंने नहीं डाला है क्योंकि ज्यादा स्पाइसी मैं खाती नहीं हूँ साथ ही ऊपर से मैंने डाल दिया है रोस्टेड सेसमे सीड्स ये बहुत हेल्दी है साथ ही टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है बस मिक्स कर दिया और आप इंजॉय कर सकते हो आपके लंच में या डिनर में बहुत ही हेल्दी और हाई प्रोटीन वाली रेसिपी है वो में बहुत हेल्प करती है जरूर ट्राई करना आप वीडियो में देख सकती हो मेरी रिएक्शन बहुत ही यमी बना है और फुलफिलिंग है मैंने लंच में खाया था और डिनर तक कुछ स्नैकिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अब बनाते हैं हमारा दूसरा सैलड वो है स्प्राउटेड बट चना दाल ये मैंने ब्लैक चना दाल लिया है उसको बॉइल कर दिया है स्टीम भी कर सकते हो आप मैंने बॉइल किया है बस अब एक बर्तन में हम रखेंगे बॉइल्ड चना और उसमें मिक्स कर देंगे हमारे कुछ सब्जियां मैंने इसमें डाला है चॉप्ड अनियन टमेटो और फ्रेश धनिया एंड आप इसमें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी वेजिटेबल डाल सकते हो जैसे कैरेट क्यूक्यूम्बर बस मैं रेकमेंड करूंगी जिंजर और लेमन जरूर डालना वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी है और टेस्ट को बहुत एनहेंस कर देती है साथ ही मैंने ब्लैक पेपर डाला चाट मसाला डाला और चिली फ्लेक्स डाला आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो चाट मसाला डाला है तो नमक थोड़ा कम डालेंगे नहीं तो नमक बहुत ज्यादा हो जाता है मेरे सैलड में बहुत ज्यादा नमक हो गया था तो आप थोड़ा हिसाब से नमक डालना बस इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हमारा रेडी है सुपर यमी सुपर हेल्दी और फुलफिलिंग स्प्राउटेड चना सैलड आप इसको ब्रेकफास्ट लंच या डिनर में ले सकते हो बहुत ही यम्मी है है फुलफिलिंग तो आप सुबह सुबह भी ले सकते हो और लेट नाइट भी ले सकते हो सो so, आप एक बार जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट में कैसा बना आपका सैलड अब बनाते हमारी नेक्स्ट रेसिपी वो है रोस्टेड चना सैलड इसमें हमें रोस्टेड चना चाहिए जो हमें मार्केट में मिलते हैं और रोस्टेड पीनट ये मैंने रॉ पीनट लेके घर पे ही रोस्ट किया है आप भी यही करना क्योंकि मार्केट के रोस्ट रोस्टेड पीनट में प्रिजर्वेटिव एंड नमक ज़्यादा होता है बस उसके बाद इसमें टोमेटो डालेंगे अनियन डालेंगे हम मेरा बेसिक यही है सब्जियां डाल, जो डालती हूँ इसमें मैंने थोड़ा अलग किया है क्यूक्यूम्बर डाला है क्यूक्यूम्बर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और गर्मी में तो बहुत ही नेसेसरी हो जाता है ग्रीन चिली डाला है थोड़ा फ्लेवर चेंज के लिए इसको मिक्स कर देंगे ये सैलड थोड़ा ड्राई एंड क्रंची साइड में होता है इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट सैलड है इसमें हम चाट मसाला डालेंगे क्योंकि लास्ट टाइम मेरा सैलड नमक ज्यादा हो गया था तो मैंने इस टाइम ओनली चाट मसाला डाला है और कुछ मसाले नहीं डाले हैं ब्लैक पेपर पाउडर आप डाल सकते हो इसमें मैंने लेमन स्क्वीज करके डाला है मेरा तो कोई भी सैलड लेमन के बिना अधूरा ही होता है उसके बाद सीजनिंग के लिए मैंने डाला है पोमोग्रेनेट अनार के दाने के इतने अच्छे फ्लेवर आते हैं ये सैलड मिक्स है क्रंची नटी एंड पोमोग्रेनेट के जूसी फ्लेवर का ये सैलड मैंने टेस्ट करने के लिए दिया था मेरे हस्बैंड को वो तो घर से काम कर रहे थे तो मैंने उनको बोला था आप चेयर में बैठो मैं आपके लिए सैलड लेके आ रही हूँ तो ये रहे, ये बहुत ही शानदार तरीके से अपने एक्सप्रेशन देते हुए मेरे हस्बैंड सैलड इनको भी अच्छा ही लगा था सो <laughs> so आप भी जरूर बनाना इवनिंग स्नैक्स के लिए ड्राई तो रोस्ट किया है घी में भी रोस्ट कर सकते हो मैंने इसमें डाला है चॉप्ड अनियन खीरा भी चॉप करके ही डाला है और रोस्टेड पीनट जो मैंने घर पे ही रोस्ट किया था उसके बाद मिंट एंड धनिया इसमें मिंट थोड़ा ओवर कर जाता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी मिंट को आप आप स्किप भी कर सकते हो और बस चाट मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देना है एक मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही थी इस टाइम पे बाहर ह्यूमिडिटी शुरू होती है तो मक्खियां अंदर आने लग जाती है खैर अच्छे से मिक्स कर देंगे और आ, बस रेडी हमारा लो इन कैलोरी इवनिंग स्नैक्स ये सैलड आप लंच में भी खाएंगे ना तो आपको डिनर तक कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैंने इवनिंग स्नैक्स के रूप में खाया है तो मुझे तो डिनर तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ी बहुत ही हेल्दी लाइट सैलड है ये अब बनाते हैं डिनर के लिए कलरफुल पनीर सैलड रेसिपी फ्रेश पनीर में हम हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाल के पांच मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे और उसको हम तवा में रोस्ट कर देंगे मैंने एक चम्मच घी डाला फ्लेम को हाई रखना है और मैंने धीरे से पनीर डाल दिया है पनीर फ्रेश है तो टूट सकता है पांच मिनट में हमारा पनीर रोस्ट होके रेडी हो जाता है फ्रेश पनीर है इसीलिए थोड़ा टूटा है लगभग पांच मिनट बाद मैंने पनीर को एक मिक्सिंग बॉल में निकाल दिया है धीरे से निकालेंगे उसी पैन में मैंने थोड़ा और घी डाल के कुछ सब्जियों को भी सौटे कर देंगे मैंने कैप्सिकम अनियन और टोमेटो शॉर्टे किया है पहले कैप्सिकम और अनियन को एक मिनट शॉर्टे करेंगे और एक मिनट बाद हम उसमें स्लाइसड किए हुए टोमेटो डाल देंगे उनको भी एक मिनट ही शॉर्टे करना है हाई फ्लेम में दो मिनट शॉर्टे हो जाने के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और वेजिटेबल को मिक्स कर देंगे पनीर में अब इस सैलड को सीजनिंग करने की ओर चलते हैं जब वेजिटेबल मिक्स हो जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे सो किए गए फ्लेक्स सीड एंड चिया सीड ये हमें लंबे टाइम तक फुलफिलिंग रखती है और हेल्दी है हमारे बॉडी के लिए उसके बाद ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे चाट मसाला डालेंगे आप नमक भी डाल सकती हो मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि पनीर में ऑलरेडी नमक डाला था अब एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और रेडी है हमारा ये सुपर यमी, सुपर हेल्दी हाई इन प्रोटीन डिनर आप इसको लंच में भी खा सकते हो और डिनर में भी खा सकते हो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था आप भी जरूर ट्राई करना कैसी लगी ये रेसिपी सीरीज आप जरूर बताना और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नमस्ते बाय